हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली लाइफ बुक। आज हम बनाएंगे अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए बहुत ही स्वादिष्ट काले चने और हलवा, बिल्कुल वैसे ही जैसे भंडारे में या फिर मंदिर में मिलते हैं, एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब, परफेक्ट रेशो और परफेक्ट माप के साथ। फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसे मैंने कैसे तैयार किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कटोरी बॉईल चने हैं, जिसे कि मैंने वन नाइट के लिए भिगो कर रखा था और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं खड़े मसाले, कुछ कटा हुआ धनिया, यहाँ पर मसाले सभी, और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स एक बर्तन लिया है जिसमें कि ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। हमें खड़े मसाले फ्रेंड ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए ही यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी ली है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कटा हुआ धनिया ऐड किया है फ्रेंड्स। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसके ऊपर से मैं यहाँ पर काले चने ऐड कर रही हूँ। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो काले चने हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। इसे मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी। अब मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हलवा तैयार करने के लिए 1 कटोरी सूजी ली है, 1 से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर चीनी ली है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी मैंने घी लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि चिरौंजी, किशमिश, पिस्ता, कटे हुए बादाम और काजू। अब फ्रेंड्स मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने घी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर सूजी को रोस्ट करूँगी। आप इसे अच्छे से मिक्स करें फ्रेंड्स। फ्लेम को आप कम ही रखें, जिससे कि सूजी लगे ना। आप इसे फ्रेंड्स लगातार चलाते रहिए। हमारी सूजी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5 कटोरी फ्रेंड्स पानी लिया है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो सूजी है उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूंगी। अब मैंने इसके ऊपर से पिस्ता ऐड किए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अष्टमी नवमी के लिए जो प्रसाद तैयार होता है वो बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारे मसालेदार काले चने बनके तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर हमारा ये हलवा बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये हलवा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा टेस्टी है, जो कि मंदिरों में या फिर भंडारों में मिलता है फ्रेंड्स। आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका हलवा और चने बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अष्टमी और नवमी के प्रसाद बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि जब आप हलवा बनाते हैं तो फ्रेंड जैसा मैंने आपको मेजरमेंट बताया है आप उसी हिसाब से लें। इससे हमारा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। और काले चने बनाते समय फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्लेवर के लिए ही यूज़ करना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आप इस प्रसाद को घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।